वाहे गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अठ पौ गुरु प्यारो, सत पौ वाले दिन परिवार के विछोड़े तो बाद जद परिवार तीन हिस्सों अंदर वंडिया गया, माता गुजर कौर जी छोटे साहबजादे दे नाल कुम्मा माशके दे घर पहुँच गए अते दूजे हिस्से अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी अपने माता जी ते निक्के साहबजादों तो दूर होके वड्डे साहबजादियां अते कुछ सिंघां समेत जद सरसा तो पार आए तां अगे रोपड़ दे पठान आप जी दा राह रोके खड़े सन। सिंघां दा रोपड़ दे पठाणा दे नाल घोर युद्ध होया। सिंघां ने रोपड़ दे युद्ध विच अनेकां पठाणा नूं सोधिया। उस तों बाद गुरु साहब जी पिंड बामण माजरा गए, फिर बामण माजरा तो पिंड बूरा माजरा पुजे, पिंड बूरा माजरा तो दुगरी थे ते कुछ चिर ठहरे। इस तों बाद गुरु साहब जी ने चमकौर दे इक चौधरी बुद्धी चंद नूं अपने कोल बुलाया तो उस नूं अपनी हवेली देण लई कहा। चौधरी ने गुरु साहब जी की चंगी आओ भगत की अते उन्हां नूं अपनी हवेली सौंप दिती। चौधरी बुद्धी चंद की इस हवेली दियां कंधां कच्चियां सन। इस हवेली नूं कच्ची गढ़ी कहा जांदा सी। सिंघां ने इस कच्ची गढ़ी उत्ते निशान साहिब चला दिता। सिंघ कच्ची गढ़ी विच मोर्चे मल के बैठ गए। सिंघां दे चेहरे चमक रहे सन अते हौसले बुलंद सन। गुरु प्यारे, चमकौर की कच्ची गढ़ी ते अठ पौ नूं जो जंग होण जा रही है वह दुनिया के इतिहास की एक विलक्षण जंग है, जिथे एक पासे हन कुछ सिख जिन्हां दा सरदार गुरु गोबिंद सिंह जी हन अते दूजे पासे अनगिणत फौज है जिन्हां दा फिर तो एक निशाना है गुरु गोबिंद सिंह जी नूं फड़ना, गुरु साहब की चढ़त नूं कट करना, गुरु साहब की रूहानियत नूं बादशाहत नूं मलिया मेट करना। पर यह की जानन कि गुरु साहब तो कई सूरजां दा चानण मन च वसाई बैठे हैं, जिसनों फड़न चले हैं वह तो आप निरंकार बन इस कच्ची गढ़ी च बैठा है। सो जो वार भी करता है तो सबर नाल, नफरत नाल नहीं। सो सवेर की गहरी धुंद अंदर, कड़कदी ठंड अंदर जंग का नगारा वजा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने रणनीति बनाई अते पंज पंज सिंघां दा जत्था गढ़ी तो बाहर भेजने शुरू किए। जद पंज पंज सिंघ जथे के रूप में गढ़ी तो बाहर निकल के दुश्मन का मुकाबला करते हुए निकले तो सामने फौजा नूं वक्त पै गया कि कैसी जंग नीति है, जिथे कुछ कु सिंह आए हैं जो बिना किसी परवाह के लड़ रहे हैं। सो जद पंज सिंह लड़ते हुए शहीदियां प्राप्त कर रहे सन तो वड्डे साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी ने भी जंग विच जाण दी आग्या मंगी। बाबा अजीत सिंह पहला भी कई जंगा लड़ चुके सन, उन्होंने जंग के सारे दापेज पता सन। दशमेश पिता जी ने साहबजादा अजीत सिंह जी घुट के छाती न लाया अते आप थापड़ा दे के जथे समेत गढ़ी तो रवाना किया। एक वारी भी गुरु साहब जी ने कहा कि ना जाओ। गुरु प्यारो, गुरु साहब ने कदे सिखां दे पुत्तां च फर्क नहीं किया। जदों मुगलों ने गुरु साहब के साहबजादे ने आंदे तकिया तो सेनापति बहुत हैरान होया कि कहो जिहा पिता है जो पुत नूं मैदान अंदर भेज रहा है। साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी ने मैदाने जंग विच जांदे ही जयकारा गजाया अते फौज नूं भाजणा पा दित्तियां अते शस्त्रबाजी दे ऐसे जोर दिखाए कि कहिंदे कहाउंदे तलवार दे तनी ते तीर अंदाज भज्जण दा राह लभण लगे। गुरु जी इह कुझ तक के गढ़ी तो साहबजादे नूं शाबाश दे रहे सन। अलयार खां जो कि इस बारे बचन करते हैं कि शाबाश पिसर खूब दलेरे से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो, गोबिंद के फरजंद बड़े हो। साहबजादा अजीत सिंह जी ने अनेक वैरियां नूं मारन उपरंत शहीदी प्राप्त करते वेख के साहबजादा जुजार सिंह भी लाड़ी मौत नूं व्याहण लई उठ खलोते अते पिता गुरु जी तो मैदाने जंग विच जाण दी आग्या मंगी। बेटे को शहादत मिली देखा जो पदर ने, इस वक्त कहा नन्ने से मासूम पिसर ने, उरुक्सत हमें दिलवाओ पिता जाएंगे मरने, भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, सोना नहीं खाना नहीं पीना नहीं भाता। तो साहबजादा जुजार सिंह ने कहा कि ऐ गुरु पिता मैनू भी जंग च जाण दी आग्या दिओ। सिंघां ने तो बहुत मना किया पर साहबजादा जुजार सिंह जी ने कहा कि बेशक मैनू वड्डे वीर जिन्ना जंग युद्ध करन दा ज्ञान नहीं पर मरना तो मैनू ही आंदा है, जद मरांगा तो कईआं नूं नाल लैके मरांगा, मैं अपने पिता का सर कदे ना चुकण देवांगा अते खालसे दे झंडे नूं हमेशा बुलंद रखांगा। लड़ना नहीं आता मुझे मरना तो है आता, खुद बढ़ के गला टेक पै धरना तो है आता।
साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद तैयार किया अते जंग विच जाण दी आग्या दित्ती। साहिबजादा जुझार सिंह जी ने भी मैदाने जंग विच जा के तलवारबाजी दे जो जोर दिखाए वैरी उस नूं देख के हैरान सन कि इन्नी छोटी उम्र विच इन्ना ज्यादा हुनर किन्नी दलेरी अते किन्नी निरपैता भरी हुई है जो ये इन्नी भारी फौज नाल लड़न लिया है। वैरिया ने साहिबजादे नूं कैद करन दा उपराला भी किया पर शेर दहाड़ता होया पूरी बहादुरी नाल लड़िया। उधर गुरु गोबिंद सिंह जी पुत्रां ते सिंघां नूं जूझते देख रहे सन, शरीर शरणी शरणी हुंदे तके अते शहीदी उपरंत फतेह दे जयकारे गजाए अते अकाल पुरख दा कोटान कोट शुकराना किया। गुरु प्यारो अजिहा अलोकार कारनामा ना तो दुनिया ने अज तीक वेख्या है अते ना ही वेखेगी। सूफी शायर जोगी अल्लाह यार खां साहिबजादा नूं अपनी अकीदत दे फुल भेट करदे होए अपनी लंबी नज़म गंज शहीदां विच लिखदे हन कि जंग तो पहली रात कलगीधर दशमेश पिता जी कच्ची गड़ी विच अकाल पुरख नूं कुछ इस तरह मुखातिब हो रहे सन, जब डेढ़ घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में खैमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले ऐ खुदावंत हूँ खुश तेरी रजा में, करतार से कहते थे गोवा रूबरू होकर कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। सो जो अकाल पुरख का हुक्म सी उसनु गुरु साहब ने मन्या, खिड़े मत्थे मन्या, जयकारे लांदे हुए मिठा करके मन्या, असी गुरु प्यारू कलजुगी हाँ, सानू ये इतिहास सुन के रोना भी आ सकता है, असी अंदरों काले भी पै सकते हाँ कि ये सब की हो गया। पर गुरु साहब पहले पातशाह जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक सारे गुरु साहबान ने सानू हुक्म च रहना सिखाया है, उसके हुक्म विच ही असी आउंदे हाँ अते उसके हुक्म विच ही इथों जांदे हाँ। तो गुरु साहब भावें आनंदगढ़ सन, सरसा दे कंडे ते सन, जां चमकौर दी गढ़ी अंदर हर वेले अकाल पुरख नाल जुड़े सन, जे सदका हजारां लखां दी फौज भी गुरु साहब नूं फड़ ना सके अते ना ही गुरु साहब दी चढ़दी कला नूं घट कर सके, सगो दुनिया च गुरु साहब दी होर वडियाई होई तां इंज अठ पो दा पूरा दिन बीता। गुरु प्यारियो चमकौर साहब जिस दी चमक दुनिया भर विच निराली है, जिथे गुरु साहब दे दोनों वड्डे साहबजादे तीन प्यारे अते जान तो प्यारे बहुत सारे सिख शहीदियां पा गए, ये चमकौर साहब की धरती सजदा करन जोग धरती है, जिथे बड़े सोहने अखरां च लिखा है कि बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। सो यह सी अठ पो वड्डे साहबजादे की शहीदी का संखेप इतिहास। सो दूजे पासे छोटे साहबजादे अज दे दिन कम्मा मास्की जी दे घर तों गंगू नाल उसके पिंड वल चाले पा चुके सन। गुरु प्यारू कुम्मा मास्की जी दे घर तों गंगू दा घर ज्यादा दूर नहीं, पर गंगू जान बुझ के उल्ट रस्ते नूं घुमा रहा सी तां जो रात जद माता जी सौण तां सोना चोरी करके बाद विच माता जी नूं सिपाहियां नूं फड़ा देवे। सो घुमदा घुमांदा गंगू मुगल हकूमत दे जुल्म दीआं चंबियां जिंदां नूं पिंड काईनूर लै आया। जदों पिंड काईनूर पुज्जे तां रात हो चुकी सी। इत्थे इक संघनी चिड़ी विच तलाअ दे किनारे अट के सफर दी थकावट नाल माता जी दा बिरध शरीर चूर चूर होया पिया सी, पर रब्बी पाणी विच अडोल सन। उन्हां नूं उत्थे छड गंगू किते भोजन लैण आया, जिस नूं शक के तिन्हां ने तलाब विचों पाणी पीता। फुल्लां वर्गे मासूम बाल साहिबजादे नूं जमीन ते माड़ा मोटा कपड़ा विछा के अपने दोवें पासिआं नाल ला के माता जी लम्मे पै गए अते कोई बाकी कपड़ा लत्तां ते लै लिया, ठंड तों बचा लई उपर लै लिया। झड़ी संघनी होने कारण शीत हवा तो कुछ राहत मिली। अपने कालजे दे टुकड़िया नूं कहर दी ठंड विचों चढ़दी कला दा पाठ पढ़ाउंदे ममता दा निग दिंदे रहे। माता जी हालात बारे विचार करदिआं सारी रात चंगी तरह सो ना सके ते गंगू सोना चुराण विच सफल ना हो सकिआ। तां जद अगली सवेर होई तां गंगू तिन्नां औखे पंदां दे पांदियां नूं माता जी ते साहिबजादिआं नूं नाल लै तुरिआ। हुण गंगू अगले दिन भाव नौ पौ नूं अपने घर ले जांदा है, जिथे जा के उसका असल रूप सामने आउंदा है। सो जो रात माता गुजर कौर जी ने संघनी चंगी च कट्टी उत्थे दूजे पासे गुरु गोबिंद सिंह जी अगले दिन मैदाने जंग विच जाण लई तैयार सन।
पर पंजा प्यारे ने हाथ जोड़ के बेनती की थी कि हे दाता तुसी ये जगह छड़ के चले जाओ, तुसी रहोगे तो साढ़े जय होर पैदा कर दोगे। अते तुसी ही कहा सी कि पंज प्यारे का हुक्म तो मैं भी नहीं मोड़ सकता, सो ये निम्रता सहित बेनती है कि तुसी इस स्थान तो हुणे ही चाले पाओ ते होर सिखां नूं नाल जोड़ो। तो गुरु साहब जो जंग विच जाना चाहुंदे सन पंजा प्यारे दे हुक्म आग्या ने उन्हां नूं इंज ना करन दित्ता अते रात नूं कुछ सिंघां नाल इत्थों अगे नूं चाले पा गए। सो ये दिन ते रात मां पुत ते पोतरां लई कहर वाली रात सी। मैदाने जंग अंदर साहबजादियां दे शरीर जमीन ते पए सन, दूजे पासे छोटे साहबजादे भी जमीन ते माता गुजर कौर जी नाल सो रहे सन। ये अकाल पुरख का कैसा हुक्म सी जो साहबजादे माता गुजर कौर जी अते गुरु साहब खड़े मत्थे प्रवान कर रहे सन। सतगुरु साहब कृपा करन सानू भी हुक्म च चलन की समत बख्शन अते अज दे दिन शहीद हुए चमकौर दे जंग विच शहीद हुए समूह सिखां नूं मैं लख लख प्रणाम करदा हाँ, सजदा करदा हाँ अते सतगुरु अगे अरदास करदा हाँ कि ऐ गुरु पातशाह रहमत करो सानू भी इसे दग दे धारनी बनाओ। अज लई इन्ना ही, अगले दिन की कुछ गुरु साहब के परिवार से बीतता है उसनों अगली वीडियो विच गुरु साहब की कृपा नाल संखेप च जाणांगे। अज लई इन्ना ही, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।